प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई को लेकर के विपक्षी दल के नेताओं ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। केंद्र की सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो मोदी जी के साथ नहीं है वो जेल जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर ईडी लगातार शिकंजा कस रही है और उनका त्यागपत्र देना, मंजूर करना, संघवाद की धज्जियां उड़ाना है, जिसे पीएमएलए के तहत हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है उस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हमला बोला है। खड़गे ने कहा कि पीएमएलए के प्रावधानों को कठोर बनाकर विपक्ष के नेताओं को डराना धमकाना बीजेपी का टूलकिट का हिस्सा है। षड्यंत्र के तहत एक एक करके विपक्ष की सरकारों को अस्थिर करने का भाजपाई काम जारी है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने ये कहा कि भाजपा की वॉशिंग मशीन में जो चला गया उसे सफेदी की चमकार मिल गई, वो साफ हो गया, और जो नहीं गया वो दागदार रह गया। तानाशाही से लोकतंत्र को अगर बचाना है तो बीजेपी को हराना ही होगा। मुझे गिरफ्तार करने का उन लोगों ने फैसला सुनाया, और किस विषय पर? ऐसे विषय पर जो चीजें मुझसे जुड़ी ही नहीं है। मुझ पर 8.5 एकड़ जमीन होने का इनका दावा है, और भुइयारी जमीन क्या, जो जमीन कभी बिकती ही नहीं, और कहीं सबूत नहीं मिला। दिल्ली में भी इन लोगों ने छापे मारकर हमारी जो छवि खराब करने की कोशिश की, और आज अंतोगत्वा ये सुनियोजित तरीके से दिन भर ये योजनाबद्ध तरीके से आए, समय काटे, और उनको पता है कि शाम के वक्त कोर्ट कचहरी बंद हो जाता है, और उन लोगों ने अपने